कल देखा गया था, आप सब कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, आप सबको साथ लेके गए थे कंप्लेन देने के लिए, तो ये आज सब पूरा स्पॉट पे आते हैं, मार्केट के बारे में बताएंगे क्या? देखो ये जो मार्केट है ये बहुत पुराना मार्केट है, इसमें क्या होता है ना, हमारा जो ये जो देखो पीछे साइड देखो हमारा मंदिर है, ये जो मंदिर है ना ये माँ बहन हमारा गुरुजन सब आते हैं यहाँ पर पूजा करने, और उधर बैठे हैं बच्चे लोगों, ये जो यहाँ कोचिंग भी है और हमारा मेडिकल भी पास में है, यहाँ पर देखो मेडिसिन स्टोर है, ये स्वीट दुकान है, परिवार का जितना दुकान है यहाँ का जो सब परिवार है यहाँ का, ये फैमिली का जो परिवार है, बच्चे लोगों जो पढ़ते हैं सब जो पढ़ते हैं, तो ये बच्चे लोगों का भविष्य नष्ट हो जाएगा। और यहाँ जो दारू का दुकान स्टार्ट होगा, इसको जो सरकार तो अधिनियम का हिसाब से तो दिया है दारू का दुकान, लेकिन हीराकुद में खोलने के लिए बीच बाजार में जो पार्टी लिया है उसको हम अनुरोध करते हैं कि वो हीराकुद का बाहर करे, हम मना नहीं कर रहे हैं, दारू का दुकान बंद नहीं कर रहे हैं, हीराकुद का बाहर करे, बाहर करने से क्या ना हमारा ये परिवार बच जाएगा, हमारा लड़का लोगों का फ्यूचर बच जाएगा, यहाँ जितना भी दारू पीने आएंगे, ये तो कोरोना का टाइम है और सरकार का कोविड 90 का हिसाब से यहाँ दारू का दुकान खुलेगा तो कोविड 90 भी फेल हो जाएगा, यहाँ पर सरकार भी फेल हो जाएगा, तो हमारा कोरोना से बचने के लिए इसको हम बंद कर रहे हैं, तो हम लोग उनका अनुरोध है, सरकार को भी अनुरोध है, हमारा म्युनिसिपैलिटी का हमारा कमिश्नर को भी अनुरोध है, और हमारा लोकल पुलिस को भी अनुरोध है, हमारा जो जितना अभी गार्डियन है हम ये है, हम लोग उनका जो सर्वसाधारण है जनसाधारण है ये लोगों का भी ऑब्जेक्शन हो रहा है, आज बंद नहीं करेंगे हम लोगों, तो ये सरकार का हिसाब से वो सरकार दायी रहेगा और कुछ भी होगा वो सरकार दायी रहेगा, और इसीलिए मैं सब माँ बहन को अनुरोध भी कर रहा हूँ कि हम लोग उनका यहाँ दारू का दुकान खोलना नहीं चाहिए। आपका नाम बोलेंगे? नीलम शर्मा। ये कौन सा जगह है? पुराना मार्केट हीराकुद। क्या प्रॉब्लम, क्या हुआ? मैं तो आगे से ही बोल रही थी यहाँ दारू दुकान नहीं खुलना चाहिए, सबको बोल रही थी। आपका घर कितना दूर है दारू दुकान से? सामने में दो घर छोड़ के तो दारू दुकान खुल रही है ना, तो अच्छा नहीं है, कल बच्चे लोग भी फिर वो आदत सीखेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, सामने में दारू दुकान रहेगी, आज तक हमारे बच्चे लोग पूड़िया भी एक ठू नहीं खाते, कल ने दारू दुकान खुलेगी तो हमारे छोटे छोटे पोता पोती है वो लोग भी फिर पीने की आदत करेंगे, वो सामने में दारू दुकान खुलेगी, वो सामने वाला बोल रहा है मैं मीट मच्छी की दुकान खोलूंगा, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं होना चाहिए, ये गलत है, मार्केट के अंदर दारू दुकान नहीं रहना चाहिए, हम लोग का कहने का, सामने में मंदिर है, लेडीज लोग भी आते जाते हैं, घूमते भी है रात को, जिसका डिलीवरी है वो भी घूमते है रात को सामने में, घर के सामने में, तो ये गलत है, तो इसको बंद कराना चाहिए आप सबको, ये अच्छा नहीं है, छोटे हमारे वो फिर पीने खाने सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? अभी तक हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कोई पीते खाते नहीं है, कुड़िया भी नहीं खाते, कल ने हमारे गलत हो, बिल्कुल मोर दुकान खुलवार कथा नहीं, पूरा खुलब बोले पुरान जी, मुझ सत कथा कहू छ, देखो मुझ बुढ़ लुक आए केवे गली थी मद बिका है इने से लुका लुकी बिका हूँ आओ कण कहू छ कह टूटल बाजार भीतर पूरा टूटल मद दुकान बिल्कुल है देखो जदि पुओ माने अछ बोले इंसाफ करबो जदि मद दुकान बंद करा नहीं जाए इन्हें समस्ते मद दुकान पासे खड़ा हूँ लेडीज अगर दारू दुकान बंद नहीं होगी सब लेडीज लोग वो दारू दुकान में बैठेंगे और सबको एक एक बोतल ले लेके बैठे रहेंगे तो दो बोतल पीना। आपका नाम बोलिए? मेरा नाम प्रकाश चंद्र डाकुआ है। दारू दुकान जहाँ खुला होता है उसका बगल में मेरा घर है। भैया दारू दुकान तो खुला अभी नहीं है, लेकिन बीच रास्ता में मोटरसाइकिल बैठा करके दादियाल दादागिरी कर रहे हैं। दारू दुकान अगर खुला रहेगा तो क्या होगा, हर दिन सबका साथ कैसे लड़े करूँ? लेकिन मैं इतना बोलूँ जो गवर्नमेंट तो ऑर्डर दिया है, लाइसेंस दिया है, लेकिन यहाँ बंद कर दो, दूसरा जगह में कहीं जगह मिलेगा तो खोल देना, लेकिन यहाँ मत खोलना, यहाँ खुलेगा देखो अभी हर मार्केट में लड़की औरत माँ बहन सब आते हैं, सब्जी लाना, मंदिर है, कॉलेज है, आईटीआई कॉलेज है, मेडिकल स्टोर है, अभी कॉलेज भी है, मेडिकल भी हो गया है, सब कुछ है, लेकिन हमारा बगल में घर है, लेकिन मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर खोलना नहीं है, दूसरा जगह में खोलो,
कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ खोलने से हर अभी दारू दुकान खुला नहीं है, लेकिन बीच रास्ता में मोटरसाइकिल बैठा के दादागिरी कर रहे, फिर खुलने के बाद क्या होगा। लेकिन हमारा जो बगल में घर है, देखो डेली दिन में रात में हम लोग बाहर में बैठे रहते हैं, अभी तो दारू पी के हमको जो भाषा खराब करेंगे तो कितना लड़का का साथ झगड़ा करूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ बंद कर दो, दूसरा जगह में मार्केट से बाहर करके करो, मार्केट से बाहर करके करो, मार्केट से बाहर करो, लेकिन यहाँ नहीं समझे। यहाँ पर सब्जी खरीदने कोई नहीं है, अगर दारू पी के अगर आदमी लोग झगड़ा करेंगे दारू पीने के बाद, आप तो जनरल जी से देखते हैं संबलपुर में दारू दुकान के सामने क्या होता है, और यहाँ पर अगर 150 लड़का दारू लेके बोतल खड़ा रहेंगे तो किसका बीवी बच्चा उसको लेके वो मार्केट आएगा, कोई लेके आएगा क्या उसको बीवी बच्चे को? यहाँ पर सब्जी कौन खरीदेगा कि दुकान कौन सा आएगा खरीदने? कभी नहीं आएगा। तो दारू दुकान खोलने से पहले ये बाजार ही खत्म हो जाए, लेडीज आना ही बंद कर देंगे यहाँ जो थोड़ा बहुत आते थे, तो झमेला सबसे ज्यादा होगा। एंटी सोशल कोई परिवार खरीदना आएगा उसको चक्कू दिखाएंगे, पैसा दे के बैंक दिखाएंगे, दुनिया झमेला करेंगे, यहाँ पर बंद होना चाहिए।